हमारे मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। आपका भाई शंभू चरण दुबे और जो भी हमारे मित्रगण हमारे साथी इस वक्त हमको देख रहे हैं उन सबको मेरा हृदय से नमस्कार। मैं उनको इस वैश्विक महामारी कोरोना जैसी बीमारी जो आज हिंदुस्तान में न केवल पूरे विश्व में फैली हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनका परिवार स्वस्थ रहे, उनका घर स्वस्थ रहे, वो स्वस्थ रहे, ये मेरी हृदय से कामना है और सदैव जीवन में आपके स्वास्थ्य की मैं कामना करता रहूंगा, करता आया हूं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है अपने अतिथि शिक्षक भाइयों से कि मैं पिछले लगातार 2 साल से 2.5 साल हो गए आप लोगों की लड़ाई लगातार लड़ रहा हूं, आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इस वक्त 3 महीने से मुख्यमंत्री जी लॉकडाउन लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखता रहा हूं, मैं फैक्स करता रहा हूं, आप लोगों के हित की बात करता रहा हूं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में गैदरिंग नहीं हो सकती, कहीं आंदोलन नहीं हो सकता, धरना नहीं हो सकता। इसलिए मैंने जो पेपर वर्क करना चाहिए मैडम प्रियावत को, हर जगह मैंने आप लोगों के हित के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ता आया हूं और जीवन भर लड़ता रहूंगा जब तक आप लोग नियमित नहीं हो जाते। ये मेरा प्रयत्न रहेगा, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैं आपके भविष्य के लिए चिंतित हूं, मैं आपके भविष्य के लिए चिंतित था, हूं और रहूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी, अभी जैसा हाल में मैंने देखा कि लोगों ने परेशान है लोग, बात आंदोलन करने से अभी कुछ हासिल नहीं होने वाला और आंदोलन आप कर भी नहीं सकते क्योंकि आपको मालूम है कोरोना जैसी महामारी, हमारे घर में बच्चे बीमार हो जाएंगे, हमारा घर, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग दुख में शामिल हो जाएंगे और घर में उनकी परेशानियां हो जाएंगी। तो ऐसी हालात में हमें जितना ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग लेके सरकार से अपनी बात को रखवानी है, माननी है, वो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी मैंने देखा फेसबुक में, व्हाट्सएप में भी मैं देख रहा था कि लोगों ने एक चीज बोली है कि जो अतिथि शिक्षक व्यापम परीक्षा पास हो गए हैं उनको भर्ती कर लिया जाए और जो अतिथि शिक्षक बेचारे हमारे नहीं पास हुए हैं तो क्या हम उनको बाहर कर दें? नहीं, ये गलत मांग है, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि जो अतिथि शिक्षक हमारे पास हो गए हैं वो भी पास नहीं हुए उनको भी मेरिट लिस्ट के आधार पर बाहर कर दिया गया है और जो हमारे अतिथि शिक्षक बाहर बैठे हैं वो भी बाहर रहेंगे, तो अतिथि शिक्षक हमारा 2 भाग में बढ़ जाएगा और हम लोग जो बड़ी तादाद में बड़ी लड़ाई को लड़ने भोपाल में जाते हैं हम जब 2 भाग में बढ़ जाएंगे तो हम लड़ नहीं पाएंगे। मेरी ये मांग है, मैं ये मानता हूं और मैं ये सोचता हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, क्योंकि आपकी ताकत, आपकी शक्ति मेरा विश्वास है, मेरा आशीर्वाद है और उसी के दम पे मैं लड़ना चाहता हूं और लड़ता रहूंगा। मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं कि हमें जो मांग रखनी है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो हमारी मांग क्या है जो मैंने कांग्रेस में भी रखी थी और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने रख रहा हूं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं ना भारतीय जनता पार्टी का हूं ना कांग्रेस का, मेरी मांग है अतिथि हित की है, मेरा एक एक अतिथि शिक्षक बाहर ना हो, इसलिए जो मैंने मांग रखी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो मैंने इस लेटर में मुख्यमंत्री जी को भेजा है, मैडम आपके लोक शिक्षण संचालनालय में भेजा है, मैडम क्रियावत को व्यक्तिगत भेजा है, जो चीजें मैंने रखी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सत्य है, असत्य है, गलत है, क्या है वो आप निर्णय करेंगे। मैंने जो मांगे रखी है, हमारी जो मांग है, प्रथम मांग है कि जो हमारे अतिथि शिक्षक व्यापम परीक्षा में पास हो गए उनको मेरिट लिस्ट पे बाहर ना किया जाए, उनको तत्काल प्रभाव में नियमित किया जाए और जो अतिथि शिक्षक हमारा व्यापम परीक्षा पास नहीं हुआ है उस अतिथि शिक्षक की विभागीय परीक्षा लेकर उनको नियमित कर दिया जाए। ये लड़ाई अगर लड़ेंगे तो दोनों मिलकर हम अपनी लड़ाई भोपाल में लड़ सकते हैं और हम अपनी मांगों को पूरा करा सकते हैं ताकि हमारा अतिथि 2 भाग में ना बटे, क्योंकि संख्या जो पास हुए उनकी संख्या कम है, वो अगर जाएंगे भोपाल में क्योंकि उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है व्यापम परीक्षा मेरिट लिस्ट के आधार पर, तो ये एक विसंगतियां हैं जो विसंगति फैलेगी और हमारा कहीं ना कहीं हमारा अतिथि शिक्षक सड़क जो बीच हजारों की तादाद में आज हमारे अतिथि शिक्षक हैं जो व्यापम परीक्षा नहीं पास हुए हैं लेकिन वो कैपेबल हैं, क्वालिफाइड हैं, डीएड बीएड किए हुए हैं और जो पास हो गए उनको भी मेरिट लिस्ट के आधार पर बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। तो मेरी एक मांग है जो मैं मुख्यमंत्री जी से लग रहा हूं, जो मैंने आपको दिखाया, ये लेटर मेरे हाथ में रखा हुआ है, मैं लगातार संपर्क कर रहा हूं, हमारी मांग है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैं आपकी लड़ाई पिछले 2 साल से लड़ रहा हूं और 2 साल में आप भी जानते हो, इससे पहले आप लोग 14 साल से अतिथि शिक्षक थे, कभी किसी मुख्यमंत्री ने किसी मंच पे आपका नाम नहीं लिया, किसी सरकार ने अपनी चुनाव लड़ाई में आप लोगों को अपने उसमें शामिल नहीं किया, वचन पत्र में शामिल नहीं किया। ये दो साल की लड़ाई थी जो आपके आशीर्वाद, आपकी ताकत से मैंने लड़ी थी, उसके कारण भोपाल में बड़े बड़े आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, तो हमारी कांग्रेस सरकार को आपको वचन पत्र में शामिल करने की मजबूर हो गए। हमने आपको 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ा दी थी, हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं और मैं आपको वचन देता हूं कि अगर इस तरह की लड़ाई होती रही हम लड़ाई जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है आपके आशीर्वाद से, आपकी ताकत से।
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक निवेदन कर रहा हूं, इस विसंगतियों में मत पड़िए। जो हमारा अतिथि शिक्षक पास हो गया है वो तत्काल प्रभाव में नियमित किया जाए, और जो अतिथि शिक्षक हमारा परीक्षा पास नहीं हुआ है उसकी विभागीय परीक्षा लेके उसको नियमित कर दिया जाए। ये हमारी मांग है, इस मांग को लेके ही हम आगे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारे हर अतिथि शिक्षक का भला होगा। आप लोगों ने जो लड़ाइयां लड़ी भोपाल में पिछले 2 साल में, आज हर मीडिया वाला, हर सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आपको हर मंच पे कहती है कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कर रहे हैं, हम अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इस लड़ाई के लिए बड़ी तपस्या की है, बड़ी मेहनत की है, जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं, पुलिस के लिए, पुलिस से मुकदमे खाए हैं हमने, आपके लिए, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। और मेरा विश्वास है मैं अपने अतिथि भाइयों को नियमित करा के रहूंगा, दोनों को, जो परीक्षा पास हो गए हैं और जो अतिथि शिक्षक हमारे पास नहीं हुए हैं। एक मांग को लेकर लड़ेंगे, निश्चित तौर से हम जीतेंगे। अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए, आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए हमारी ये लड़ाई हमेशा आपके साथ रहेगी, हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं अपने अतिथि भाइयों को बोलना चाहता हूं, हताश मत होइए, जीवन में हारिए मत, जीतता वही है जो लड़ता है, जो लड़ता नहीं वो कभी नहीं जीतता, ये मेरा विश्वास है। आपके आशीर्वाद के दम पे मैं इस लड़ाई को लड़ता आया हूं, जीतता आया हूं। प्रयत्न तो सबके साथ होते हैं ना, प्रयास तो लोगों के साथ होते हैं, किसी भी बढ़ती हुई सीमा को रोकने का प्रयास दुनिया करती है, किसी भी बढ़ते हुए व्यक्ति के कद को छोटा करने के लिए प्रयास दुनिया करती है। हमारे अतिथि भाई 3-3 महीना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, अतिथि हित के लिए किया है। मैं पहले दिन उनके आंदोलन में पहुंचा था, मैंने उनसे कहा था तन मन धन जो भी लगेगा आप मुझसे लीजिए, मेरा अतिथि शिक्षक चूंकि आज असहाय है। अब आप सोचिए, जिस अतिथि शिक्षक के पास तनख्वाह नहीं मिल रही है, मैंने अभी मई जून की तनख्वाह के लिए लगातार 3 लेटर लिखे हुए हैं कि हमारे अतिथि शिक्षक को मई जून की तनख्वाह मिलनी चाहिए, ये बात मैंने की, अन्यथा मैं आंदोलन के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो जाऊंगा। आज मेरा अतिथि शिक्षक मनरेगा का मजदूर बन गया है, मनरेगा में काम कर रहा है, मजदूर बन के काम कर रहा है, कितना दुर्भाग्य का विषय है। समाज का निर्माता, जो समाज का निर्माता है आज वो मनरेगा का मजदूर बन गया है, ये मध्य प्रदेश सरकार का दुर्भाग्य है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का दुर्भाग्य है। आप कभी भी चुनाव नहीं जीतेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपने हमारे अतिथि शिक्षकों का हित नहीं किया तो। हम आंदोलन करेंगे, आपने देखा था आपकी सरकार में हमने अम्बेडकर पार्क में जो आंदोलन किया था उसके कारण कांग्रेस ने हमें वचन पत्र में शामिल किया था, और सरकार भी अतिथि शिक्षकों ने घर घर जाके मेहनत की थी और आपकी सरकार को गिराने का काम किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार बनाई थी। वो बात अलग है कि आपने किस तरह उसको हासिल कर लिया, लेकिन अभी उपचुनाव बाकी है, आप हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दीजिए, हमारा एक एक अतिथि शिक्षक आपके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक समाज का निर्माता होता है। उसका बच्चा आज भूखों मर रहा है, वो अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पा रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे पास आंदोलन के अलावा आप कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। आपने जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो आप हमारे धरना स्थल पर पहुंच के आपने बोला था कि हमारी सरकार, हमने आपको 25% का आरक्षण दिया, 9 साल की छूट दी, तनख्वाह आपकी दोगुनी की। इन्हीं 2 साल में आपका जो जबलपुर का जल सत्याग्रह हुआ था उसके कारण आपकी तनख्वाह की बढ़ोतरी हुई, आपको 25% का आरक्षण मिला, आप लोगों की 9 साल की छूट मिली। अभी भी अपन जीतेंगे, बिल्कुल नर्वस मत होइए, दुखी मत होइए, 2 भाग में मत बांटिए, विश्वास करिए। हम अपने हर अतिथि शिक्षक भाइयों को कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को बरकरार रखिए, अपनी एकता को बरकरार रखिए। आपका भाई शंभू चरण दुबे तन मन धन से आपकी लड़ाई लड़ रहा है, लड़ता आया है और जीवन में लड़ेगा, और बहुत जल्द जैसे ही ये आपका लॉकडाउन खत्म होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग दशहरा ग्राउंड भोपाल में फिर आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री जी को बाध्य करेंगे कि हमारे अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दीजिए। आज मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, और जो भी हमारे इस लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस वैश्विक महामारी से बचिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, परेशान मत होइए, ये लड़ाई हमारी बड़ी होगी, हम जीतेंगे और हम जीतते आए हैं, हमने जीता है। 2 साल में हमने ये स्थिति कर दी आज मध्य प्रदेश में कि माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को, यशस्वी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने आपको वचन पत्र में शामिल किया। अब हमारे जो आपके माननीय शिवराज सिंह चौहान है यशस्वी मुख्यमंत्री जी, मेरा उनसे अनुरोध है, मैं उनसे लेटर उनको ड्राफ्ट कर रहा हूं, लोक शिक्षण संचालनालय में बोल रहा हूं, आप जीतेंगे ये मेरा विश्वास है। आपका भाई शंभू चरण दुबे, जय हिंद, जय भारत।